जमाना सही नहीं है, लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना है। जमाना तो जमानों से सही नहीं है, जमाने को बदलना था ना। हम ही को समझाने लग गए। कहते हैं समय बदल गया, लड़कियां बहुत ज्यादा मॉडर्न भी हो रही हैं, लड़कों के साथ कदम मिलाकर आगे भी चल रही हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सोच किसी एक जगह पर अटकी पड़ी है। ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं जानती कौन कौन मेरी इस बात के साथ रिलेट करेगा, पर शुरू से ही जब लड़कियों को रोका टोका जाता था ना कि बाहर नहीं जाओ या जल्दी आ जाना या फिर पूछना पड़ेगा, रुको, रहने दो, इस तरह की जब बातें करते थे ना एक लड़की के लिए, उसी तरह लड़कों से भी सवाल किए जाने चाहिए थे। या फिर शुरू से उन्हें ये चीज समझाई जानी चाहिए थी कि लड़कियां और लड़के, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। क्या होता है लड़की की जिंदगी में कि बचपन से ही उन्हें रोका टोका जाता है, मतलब हर चीज में हमें बताया जाता था कि एक तहजीब होनी चाहिए। अगर हम बैठ रहे हैं तो बैठना किस तरह से है, अगर हम उठ रहे हैं तो किस तरीके से उठना है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, हंसना कैसे है। हम जोर से चल नहीं सकते, हमें आराम से चलना है। हम जल्दी से उठ नहीं सकते, धैर्य से उठना है, धीरे से उठना है। हम झट से टपक से बैठ नहीं सकते, धीरे से बैठना है, बैठते हुए पैर नहीं हिलाना है, ज्यादा मटक मटक के नहीं चलना है, उछल उछल के नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना है। दुपट्टे के बिना नहीं जाना है बाहर, लड़कों के साथ तो बिल्कुल बात नहीं करनी है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। मतलब जब से हमारे अंदर थोड़ी सी समझदारी आनी शुरू होती है ना, हमें और ज्यादा समझदार बनाना शुरू कर दिया जाता है कि इस तरह से बैठो, इस तरह से उठो, इस तरह से खाओ, इस तरह से बोलो, इस तरह से हंसो, इस तरह से सो, इस तरह से चलो। हर एक चीज में हमारे लिए एक दायरा तैयार कर दिया जाता है, ये हमारा आखिरी दायरा है, इसके बाद हम और कुछ नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इससे बढ़ करके हमें कुछ नहीं करना है। जमाना बहुत बदल गया है, पहले लड़कियों को उतना ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उतना ज्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता था, उतना ही कुछ सिखाया जाता था जितना कि वो अपने ससुराल में जाकर के अपना घर संभाल ले, अपनी गृहस्थी संभाल ले। उतना ही पढ़ाया जाता था कि मम्मी को चिट्ठी लिखने लायक बना दिया जाए, अपना नाम पढ़ सके। जमाना सही नहीं है, लड़की को ज्यादा नहीं पढ़ाना है, जमाना तो जमानों से सही नहीं है, जमाने को बदलना था ना। हम ही को समझाने लग गए। जिस तरह से शुरू से लड़कियों को समझाया जाता आ रहा है ना, उसी तरह से शुरू से अगर लड़कों को भी समझाया जाता आ रहा होता ना, तो आज शायद हालात कुछ और होते। लड़कियां आज लड़कों से कदम मिलाकर के चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में रहता है, कहीं ना कहीं एक खौफ रहता है अंदर की कुछ गलत ना हो जाए। एक दायरा अभी भी नजर आता है कि अगर दिल अकेले कहीं जाना है तो एक बार सोच माँ बाप के मन में अभी भी आती है। एक सोच आज भी हर माँ बाप की चिंता का दरवाजा खटखटाती है। लड़की को रोका जाता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, लड़कों को रोका नहीं जाता कि उस नजर से मत देखो। जिस दिन माँ बाप जिस तरह से लड़कियों को रोकते टोकते है ना, उस तरह से अगर अपने लड़कों को रोकना टोकना शुरू कर देना, उस दिन से समय बदलना शुरू हो जाएगा। पता नहीं किसी किसी की सोच इतनी ज्यादा अजीब क्यों होती है। शरीर हड्डी और मांस का बना हुआ एक ढांचा ही तो होता है, सिर्फ उसकी बनावट थोड़ी सी अलग रहती है। मतलब इंसान की सोच ही गलत है, मतलब इंसान की सोच को ही बदलना है, सिर्फ सोच को ही बदलना है। सब एक जैसे इंसान है, भगवान के बनाए हुए हैं, वैसे ही दिल धड़कता है, वैसे ही भूख लगती है, वैसे ही इमोशंस होते हैं, वैसे ही सब सेम रहता है, तो इसमें अलग क्या है। हमें शुरू से यही चीज समझाई गई है, बचपन से हम यही चीज सुनते आ रहे हैं कि लड़कियां लड़कों की तरह नहीं कर सकती। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो काम लड़कियां कर लेती है ना, वो लड़के शायद कभी नहीं कर सकते। मैं लड़कों को बुरा नहीं कह रही हूँ, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। लड़की बचपन से ही जिस घर में पली बड़ी होती है, वहां रहते रहते वो बिल्कुल जब अपना सा लगने लगता है, तब उसे ससुराल भेज दिया जाता है। और जब वो ससुराल जाती है, वहां जाकर के उसका सरनेम, उसका जो टाइटल होता है, वो भी हटा दिया जाता है और पति का सरनेम लगा दिया जाता है। उसकी जो अपनी पहचान, सबसे बड़ी पहचान होती है नाम, वो तक बदल दिया जाता है। किसी किसी का तो ये हाल होता है कि रात को अगर उनका बिस्तर भी बदल दिया जाए ना, तो अपना बिस्तर छोड़ करके, अपना तकिया छोड़ करके उन्हें नींद नहीं आती है। और लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी पूरी दुनिया छोड़नी पड़ती है और अपने दूसरे घर को अपना घर बनाना पड़ता है और वहीं जिंदगी भर रहना पड़ता है और सबको हंसा करके, खुश करके साथ में उन्हें भी चलना होता है।
हर एक कड़ी को जोड़ करके उन्हें खुश रखना होता है, उनकी जिम्मेदारी भी उनके सर पे आ जाती है। किसकी क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या पहनना है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, सारी जिम्मेदारी लड़की के ऊपर आ जाती है। बहू बनकर के कहिए, पत्नी बनकर के कहिए, माँ बनकर के कहिए, भाभी बनकर के कहिए, हर तरह की जिम्मेदारी लड़की के ऊपर आ जाती है। तो फिर आप बताओ कि आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां जो कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते? कहते हैं माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, बाप की जगह माँ ले सकती है। जो बातें बनी हुई है ना, बहुत शुरू से बनी हुई है और सच भी है। जो लड़की अपने घर पे सबसे जल्दी सो जाया करती थी और सबसे लेट से उठा करती थी ना, वही लड़की शादी के बाद सबसे पहले उठ जाती है और सबके उठने से पहले घर के आधे से ज्यादा काम सरका लेती है, और रात को सबको खाना खिला करके, सुला करके, फिर खाना खा करके अपनी नींद सोने के लिए जाती है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी माँ को सोते हुए शायद देखा ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के सोने के बाद माँ सोती है और उनके उठने से पहले माँ उठ जाती है। तो लड़कियों में, औरतों में इतनी ज्यादा सहन शक्ति होती है ना, ऊपर वाले ने कुछ ऐसा ही बना करके भेजा है, शायद उनको इतना मजबूत बना करके भेजा है कि अपने पूरे परिवार को, अपने मायके वालों को छोड़ करके, अपना सरनेम छोड़ करके, अपने दोस्तों को छोड़ करके, अपनी पहचान छोड़ करके ससुराल आती है और सबको अपनाती है और बहुत ज्यादा प्यार देती है, उसी को अपना घर मानती है और वहीं से उसकी अर्थी उठती है। जन्म कहीं और, मृत्यु कहीं और। शादी से पहले लड़कियां ऐसा कहती हैं कि मैं तो कभी ससुराल नहीं जाऊंगी, और जाऊंगी ना तो मैं तो वहां पे रहूंगी नहीं, भाग के आ जाऊंगी। लेकिन शादी के बाद उनकी सोच अचानक से बदल जाती है, अचानक से वो इतनी समझदार, इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अगर मम्मी का फोन भी जाता है ना कि बेटा आ जाओ कुछ दिन के लिए, तो वो कहती है नहीं मम्मी मैं अभी नहीं आ सकती, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका स्कूल मिस हो जाएगा, हस्बैंड को खाना देना है, वो ऑफिस से आएंगे तो उन्हें मुश्किल हो जाएगी, सास ससुर को दिक्कत हो जाएगी, मेरा घर है ना सब उथल पुथल हो जाएगा, तो मैं अभी नहीं आ सकती। वो इतने बहाने मारती है अपने ही घर में जाने के लिए। तो लड़कियों के बिना, औरतों के बिना घर अधूरा है। हर मंदिर में औरतों को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो लड़कों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनकी पूजा करते हो, उनके सामने हाथ जोड़ते हो ना, उनको देवी मानते हो ना, तो जो लड़कियां आपके आसपास आपको नजर आती है ना, उनके ऊपर ऐसी नजर बिल्कुल ना डालें जिससे कि उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो। उन्हें कभी भी उस नजर से ना देखें। अगर मन में कुछ अगर ऐसा ख्याल आए ना, तो आंखें बंद करें और याद करें उसी देवी माँ को जिसके आगे आप हाथ जोड़ते हो, जिसके सामने आप सर झुकाते हो। आपके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। हर लड़की को इज्जत की नजर से देखें, उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दें, दुनिया बहुत प्यारी लगने लगेगी, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसी गुजारिश के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।